रणधीर कपूर को गुरुवार को कोविड पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में एडमिट कर दिया गया था। हालांकि एक्टर ने कहा था कि वो ठीक है और ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन अब शुक्रवार को रणधीर को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। डॉक्टर्स को उनके कुछ और टेस्ट लेने हैं, जिस वजह से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। रणधीर ने आगे कहा, अस्पताल में सभी मेरा ध्यान रख रहे हैं और टीना अंबानी को भी थैंक यू, सब कुछ कंट्रोल में है, सभी मेरे लिए बेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स हमेशा मेरे पास होते हैं। रणधीर ने इससे पहले कहा था, मैं ठीक हूं और अभी मुझे आईसीयू और ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बता दें कि जब रणधीर को कपकपाहट की दिक्कत होने लगी तब उन्होंने अपना कोविड टेस्ट करवाया था और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रणधीर ने इस दौरान ये भी बताया कि करीना और करिश्मा ने भी कोविड टेस्ट करवाया था और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल पूरा परिवार घर पर क्वारंटाइन है। कोविड पॉजिटिव होने पर रणधीर ने कहा था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे मैं कोविड पॉजिटिव हो गया। मेरे स्टाफ के 5 लोग भी कोविड पॉजिटिव हैं और उन्हें भी मैंने कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट करा दिया है। डॉक्टर ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, रणधीर को रात में कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए भर्ती कराया था, वो स्टेबल है और चिंता की कोई बात नहीं। रणधीर कपूर अब अपना चैंबूर वाला घर बेचने वाले हैं, जहां वो बड़े हुए हैं। रणधीर से जब इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, भाई राजीव के निधन के बाद वो अकेला महसूस कर रहे हैं और अब परिवार के पास रहना चाहते हैं। रणधीर ने कहा, राजीव मेरे साथ ही ज्यादातर रहता था, उसका पुणे में घर था लेकिन वो ज्यादा समय यही मुंबई में रहता था। राजीव के निधन के बाद मैं अकेला महसूस कर रहा था, तो इसलिए सोचा मैंने कि अब मैं अपने परिवार के करीब रहूं। अपने पुश्तैनी घर को लेकर रणधीर ने कहा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि मैं इस घर में जितना हो सके उतना रह सकता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं इस घर को बेचूंगा मुझे इससे मिले पैसों को ऋषि, राजीव, ऋतु और रीमा के साथ बांटने होंगे।